यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। काली कोर्ट की आड़ में गुंडई करने वाले अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज। पत्रकार और वकील के बीच में एक खास संबंध होता है। इन दोनों का काम समाज के लोगों को अन्याय के खिलाफ पीड़ित को न्याय दिलाना होता है, और यह सत्य भी है कि यह दोनों वर्ग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। परंतु बलिया का दृश्य कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अब समाचार विस्तार से। अधिवक्ता का कार्य होता है अपराध के खिलाफ न्याय दिलाना, परंतु जब एक अधिवक्ता ही अपराध करने पर उतारू हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? आपको बताते चले, अधिवक्ता चेतन सिंह पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिनको काले कोर्ट की आड़ में काले कारनामे करने की इनकी आदत है। अधिवक्ता चेतन सिंह पर पहले से बार काउंसलिंग में भी कई कंप्लेंट है। यह ऐसे अधिवक्ता हैं जो अपने हम पेशा भाई अधिवक्ताओं से भी जूझते रहते हैं। और तो और, अधिवक्ता चेतन सिंह आईएएस अधिकारी हो या फिर मंत्री एवं समाज से भी सबसे लड़ने भिड़ने का उनका इतिहास रहा है। अब की बार तो इन्होंने हद कर दी, समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकार से ही धक्का मुक्की कर डाली, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले में पत्रकार ने मुकदमा दर्ज करा दिया है एवं पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि काले कोर्ट की आड़ में यह कब तक अपने काले कारनामे को छुपाते रहेंगे और शासन प्रशासन पत्रकार ने जनपद बलिया के पत्रकार ने रोज की भांति दिनांक 9 तारीख जिला कलेक्टर पहुंचा था। इसी दौरान चेतन सिंह उनके कुछ साथी एक होमगार्ड को गाली देते हुए दिखाई दिए, जिसमें भीड़ भाड़ लगा हुआ था। अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद हमने उस कवरेज को करने लगा। उसी दौरान चेतन सिंह उनके कुछ साथी हमारे साथ बदतमीजी गाली गलौज मारने के लिए दौड़ा पड़े। हमने बार बार कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, हमारा कर्तव्य है, हमको तो छोड़ दीजिए, हमारी क्या गलती है। उन्होंने बहुत हमारे साथ बदतमीजी की। कुछ पब्लिक साथियों ने कुछ उनका वीडियो बना लिया, जो होमगार्ड के साथ भी बदतमीजी की, उनका भी वीडियो हमारे पास साक्ष है। हमारा कर्तव्य था जो हमने उसका पालन किया। उसके बाद तत्काल हमने जिला पुलिस अधीक्षक को जानकारी दिया, जो इनके खिलाफ, चेतन सिंह के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखने का आदेश दिया, जो तहरीर के आधार पर जिला कोतवाली में इन पर मुकदमा लिखा गया है। उसके बाद चेतन सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, किसी मंत्री के साथ, किसी समाज सेवी के साथ, किसी आईएएस अधिकारी के साथ, वहाँ तो वहाँ नहीं, अपने बीच भाई वकील भाइयों के साथ भी हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। इनके ऊपर कई अपराध संलग्न हैं, जो आज हमारे साथ भी, जो हम समाज को आईना दिखाना चाहते हैं, जब इनकी काली करतूत हमारे सामने मोबाइल में कैद हो गई, ये तो बौखला उठे कि अब तो हमारी जो हमारी छवि बनी हुई है ये दिखा देंगे। इनकी जब मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो गया, उसके बाद ये फर्जी मुकदमा राजू गुप्ता पर भी लिखवाया गया, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखवाया, किसी भाइयों ने नहीं लिखवाया। हमारी क्या गलती है? हमने समाज का, हम लोग तो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वकील भाई हो चाहे पत्रकार भाई हो। ये अपनी लड़ाई को लेकर पूरी वकील भाइयों को बदनाम करना चाहते हैं, जो हम लोग का वकील भाई और पत्रकार भाइयों का बहुत एक मीठा संबंध रह चुका है। हम यही नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग पत्रकार भाई और वकील भाई, इनकी जो अपने अस्तित्व अपने लिए दूसरे को भी इसमें भिड़ाना चाहते हैं, सागर निवेदन है, इस मुद्दे पर ध्यान ना दें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ।